أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله برادران اسلام اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائیں۔ اسلامی کیلنڈر کا آٹھواں مہینہ شعبان المعظم ہے۔ اس کا ایک سرا رجب سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سرا رمضان سے ملا ہوا ہے۔ شعبان المعظم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے کو حضور نے اپنا مہینہ کہا ہے، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو چند گھڑیاں آج اسی مناسبت سے کہ حضور نے یہ جو شعبان کو اپنا مہینہ کہا ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ اکثر مصروفیت میں رہتے ہیں، محفلوں میں رہتے ہیں، رونق میں رہتے ہیں، بازاروں میں رہتے ہیں، دوستوں میں رہتے ہیں، گپ شپ گفتگو کا ماحول چلتا رہتا ہے۔ اس دنیا کی مصروفیات میں رہ کر ہم نے زندگی کا ایک رخ دیکھا ہے اور ہم اس کو ہی زندگی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ صرف رونقوں میں رہیں، محفلوں میں رہیں، بازار میں رہیں، دوستوں میں بیٹھے رہیں تو آپ زندگی کا راز نہیں سمجھ سکتے، یہ زندگی کا ایک رخ ہے۔ لیکن زندگی کا دوسرا رخ دیکھنا ہو تو کبھی آبادی سے نکلیں، قبرستان جا کر بیٹھیں، محفلوں سے نکلیں، شہر خاموشاں میں جا کر بیٹھیں، قبروں کے درمیان بیٹھ کر ارد گرد دیکھیں کہ سارے غریب لوگ ہی مر کر یہاں آئے ہیں یا امیر لوگ بھی مر کر یہاں ہی آ رہے ہیں، تو پھر قبرستان آپ کو جواب دے گا، یہاں صرف غریب لوگ ہی نہیں آئے، یہاں امیر لوگ بھی آئے ہیں۔ سکندر کی ماں قبرستان گئی نا تو اس نے کہا ہائے میرا سکندر، تو گورکن نے کہا ماں کس سکندر کی بات کر رہی ہو، یہاں تو کتنے ہی سکندر لیٹے ہوئے ہیں۔ بغداد میں آپ کرخ کے قبرستان میں جائیں تو وہاں عباسی خلفاء کی قبریں،
हारून उर रशीद, मामून उर रशीद, अमीन उर रशीद, मोतसम बिल्ला, मुस्तंजद बिल्ला, सारे बादशाह कब्रस्तान में लेटे हुए। कभी तख्त पे बैठते थे, आज कब्रस्तान में लेटे हुए। ये मामून पर जब आखिरी वक्त आया था तो इसने राख मंगवाई, चूल्हे के अंदर जो कोयले जलने के बाद कोयले बुझते हैं तो राख बनती है, वो राख उसने अपने बिस्तर के साथ ज़मीन पे बिछाई, चारपाई से उतर के राख पे लेट गया और राख में हाथ मारते हुए कहने लगा, इरहम या मल्ला यजूल मुल्कहू अला मन जाल मुल्कहू या मन ला यजूल मुल्कहू अला मन जाल मुल्कहू, ऐ वो जात जिसकी बादशाही कभी ख़त्म नहीं होगी उस पे रहम कर जिसकी बादशाही आज ख़त्म हो गई। बादशाह आखिरी वक्त ये जुमले बोल रहे, मेरी बादशाही तो आज ख़त्म हो गई पर तेरी बादशाही कभी ख़त्म नहीं होगी, तू मेरे ऊपर रहम फरमा। तो कब्रिस्तान में बैठकर आपको ज़िंदगी का राज और दूसरा रुख नज़र आएगा कि ज़िंदगी रौनकी नहीं, ज़िंदगी तन्हाई भी है, ज़िंदगी गपशप ही नहीं, ज़िंदगी खामोशी भी है, ये भी ज़िंदगी का ही एक पहलू है। फिर कब्रिस्तान में बैठकर जब आपके इर्द गिर्द कब्रें हों, अपने आप से एक सवाल करें, मेरे पास कितना वक़्त रह गया है जो मैंने दुनिया में गुजारना है और फिर यहाँ आना है, मेरे पास कितना वक्त रह गया है। बस अगर आज की गुफ्तगू से ये सवाल ही आपके दिलों तक पहुँच जाए तो मेरी गुफ्तगू का मकसद पूरा हो जाएगा। सरपट ना दौड़ते जाएं कि बड़ा वक़्त है बड़ा वक़्त है, कभी कब्रिस्तान जाके कब्रों में बैठ के सोचें इनका वक़्त पूरा हो गया, ये घर छोड़ के कब्रिस्तान आ गए, ये महफ़लें छोड़ के यहाँ आके लेट गए, मेरे पास कितना वक्त रह गया है, कितना वक्त मैं गुजार चुका हूँ, कितना वक्त मेरे पास रह गया है जो मैंने उस दुनिया में अभी गुजारना है। अब ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि मेरे पास कितना वक्त बाकी है, ये तो अल्लाह के इल्म में है कि किस इंसान ने किस उम्र में फौत होना है, विसाल पाना है। लेकिन इस सवाल से आपके दिल पर कम अज़ कम एक ऐसी चोट तो लगेगी कि दुनिया में मैंने जितना भी वक्त गुजारना है बहरहाल वो लिमिटेड है, वो महदूद है, चाहे 10 साल हैं, चाहे 20 साल हैं, चाहे 50 साल हैं, है वो महदूद वक्त जो मैंने वहाँ गुजारना है और फिर मैंने यहाँ कब्रिस्तान आ जाना है। जो वक्त मेरे पास है वो मुझे कैसे गुजारना चाहिए? अगर इंसान अपने आप से, ये किसी दूसरे से नहीं पूछना, अपने दिल से पूछे, मेरे पास कितना ख़जाना रह गया है, कितनी मोहलत मेरे पास बाकी है, ये जो आप सांस ले रहे हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, इसे मामूली ना समझें। कभी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़े हों तो आप देखेंगे कि लवाहिकीन इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हैं, डॉक्टर साहब अंदर से निकले हैं, लवाहिकीन पूछते हैं कि क्या बने हमारे मरीज़ का, क्या हाल है उसका, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कोशिश बड़ी की है कि सांस चले लेकिन सांस नहीं चल सकी, मरीज़ फौत हो गया। मरीज़ चाहता था मेरी सांस जारी रहे,
उसने बड़ी कोशिश की और डॉक्टर ने भी बड़ी मदद की कि सांस जारी रहे, लेकिन सांस नहीं चल सकी, सांस रुक गई, सांस वापसी का रास्ता भूल गई। ये जो आप सांस ले रहे हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज सावी ने खुले रावी ने ए तो रोज टुकड़े नहीं, आज सावी ने खुले रावी ने ए तो रोज टुकड़े नहीं। पंजाबी का मुहावरा है ढो टुकड़ा, मौका लग जाना। आप जानते हैं ना ढो टुकड़े का मतलब क्या है, मौका है, मौसम भी है, जमीन भी है, बीज भी है, तो फिर बीज बो के अच्छी फसल क्यों नहीं हासिल कर रहे। ए टो रोज टुकड़े नहीं, टुर पविए ते पेंडे मुक जांदे, घर बैठियां ते पेंडे मुकने नहीं। अगर दिल में ये एहसास पैदा हो जाए फिक्रे आखरत, कुरान मजीद में 1000 से ज्यादा आयतें फिक्रे आखरत पैदा करने के लिए। जो बात अब तक मैंने बयान की है उसी को एक दूसरे रुख से, दूसरे अंदाज से आपके सामने बयान कर रहा हूँ। चूँकि इन आँखों से हम दुनिया की चीज़ें देखते रहते हैं ना, बड़े बड़े बंगले, खूबसूरत गाड़ियाँ, दुनिया की ठाठ बाठ, तो दिल इनसे ही लग गया और आखरत की नेमतें आँखों से ओझल हो गई, आखरत की नेमतों की तरफ ध्यान ना रहा, दुनिया की नेमतों से ही दिल लग गया और इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे। अगर दिल में आखरत की फिक्र पैदा हो जाए, एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात की है, वो कहते हैं दुनिया की रौनक देखो ना तो ऐन उस लम्हे उधर से आंखें हटा के एक लम्हे के लिए आखरत की तरफ ध्यान करो कि आखरत में कैसी नेमतें होंगी, उस वक्त दिल में फिक्र आखरत पैदा हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में बड़ी से बड़ी नेमत भी आपको मिल गई, खूबसूरत रिहाइश, आला सवारियां और दुनियावी स्टेटस आला से आला, आखिर उसने खत्म हो जाना है। हजरत इमाम गजाली ने कीमियाए सआदत में हज़रत अब्दुल्ला बिन साल तस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान नकल किया है कि अगर मुझे इतना सोना दिया जाए जितना ज़मीन का हुजम है, जितना ज़मीन का हुजम है इतना सोना मुझे दिया जाए और दूसरी तरफ जन्नत में मुझे एक झोंपड़ी दी जाए, झोंपड़ी, और मुझे कहा जाए कि सौदा कर लो या जन्नत में एक झोंपड़ी ले लो, वो झोंपड़ी जिसमें मैं अकेला ही बैठ सकता हूं, छोटी सी झोंपड़ी, या फिर इतना सोना ले लो जितना जमीन का हुजम है, तो अल्लाह वाले फरमाते हैं मैं जन्नत में झोंपड़ी ले लूंगा। क्योंकि दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत आखिर फना होने वाली है और जन्नती नेमत हमेशा रहने वाली है। तलबे आखरत, तलबे कुर्बे इलाही, अल्लाह के कुर्बी की ख्वाहिश अगर दिल में ये पैदा हो जाए तो फिर मुसलमान की सोच का जो अंदाज है वो मुसलमानों वाला हो जाता है। मुसलमान इस दुनिया को ही सब कुछ नहीं समझता, मुसलमान इस दुनिया को आखरत कमाने का जरिया समझता है, वो दुनिया को आखरत के लिए खेती समझता है, असल जिंदगी तो आखरत की जिंदगी। अगर दिल में ये फिक्र पैदा हो जाए कि दुनिया के लिए जितनी भी मेहनत कर लो आखिर जाया है, क्यों ना वो मेहनत करें जो कभी जाया ना हो। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब गए हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के दिल का रुख बदलने के लिए, तो उनकी किताबें उठा के पानी में फेंक दी, तो मौलाना रूम रोने लगे। उन्होंने कहा मेरी मेहनत को आपने ज़ाया कर दी है, किताबों के हरफ मिट जाएंगे, मेरी मेहनत ज़ाया हो गई। हजरत शम्स तबरेजी ने फरमाया मौलाना यही तो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ,
आज तक वो मेहनती करते रहे हो जो जाया हो जाए, कोई ऐसी मेहनत करते जो जाया ना होती। आज तक वो कमाई करते रहे हो जो डूब गई है, कोई ऐसी कमाई करते खुद भी तैरती तुम्हें भी तैरा देती। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, कमाई हम भी कर रहे हैं, दौड़ हमने भी लगाई हुई है, मेहनत हम भी कर रहे हैं, लेकिन फानी चीजों के लिए या हमेशा बाकी रहने वालों के लिए। कामयाब है वो शख्स जो दुनिया से इस हाल में गया कि अल्लाह उस पर राजी है। रादिया तम मर दिया। अगर दिल में ये फिक्र पैदा हो जाए कि मुझसे खता हुई, गुज़श्ता ज़िंदगी मैंने गुनाहों में गुजारी, जिस ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ इसी पे चलता रहा तो मैं तो दोजख में पहुँच जाऊँगा, मुझे तो अपना रास्ता बदलना चाहिए। अगर ये फिक्र पैदा हो जाए तो कुरान मायूस नहीं करता, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। वो हमें ऐसे मौके अता करता है, अगर हम उन मौके से फायदा उठा लें अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। उन मौके में से एक मौका शाबान अल मुअज्जम की 15वीं रात है। ये शाबान का महीना और इसकी 15वीं रात, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका है, जो चाहता है मैं इस तरह हो जाऊं जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ, नामा आमाल से सारे गुनाह मिटा दिए जाएं, तो वो माह शाबान अल मुअज्जम की कदर कर ले। वो इसकी 15वीं रात को सच्ची तौबा अल्लाह की बारगाह में पेश करें। 15वीं रात का इंतज़ार ज़रूरी नहीं कि उस रात ही तौबा करें, उस रात तो आमाल पेश होंगे अल्लाह की बारगाह में, लेकिन तौबा अब ही करनी चाहिए ताकि जब 15वीं रात को हमारे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो उनमें लिखा हुआ हो इस शख्स ने सच्ची तौबा कर ली, इसने गुनाह किए लेकिन इसने तौबा कर ली। वो गुनाहगार बड़े फायदे में रहा जिसने तौबा कर ली। अल्लाह ताला ने गुनाह बख्शवाने का जो मौका हमें दिया उसमें कोई एक दिन, कोई एक वक्त मखसूस नहीं है, बल्कि अल्लाह करीम ने तौबा का दरवाज़ा तो हर वक्त ही खोला हुआ है, लेकिन कुछ वक्त ऐसे हैं जिन वक्तों में खुद उसकी रहमत बुलाती है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता कर, जहाँ ख़ास रहमत होती है। तो वो जो ख़ास रहमत के लम्हात हैं उनमें एक ये शाबान की 15वीं रात भी। शाबान अल मुअज्जम को हजूर ने अपना महीना कहा, इसमें रहमत तकसीम होती है, इसमें गुनाह माफ होते हैं, इसमें बख्शिश अता की जाती है। अब मुझे बताएं जो हजूर के दरवाजे पर ना आए वो बख्शिश के दरवाजे तक पहुंच सकता है? वो जो बख्शिश की रात रखी गई है वो हजूर के महीने में रखी गई, समझिए मैं क्या कह रहा हूं। वो जो बख्शिश की रात है, वो जो शबे बरात है, वो उस महीने में रखी गई है जिस महीने को हजूर ने फरमाया शाबान और शाहरी, शाबान मेरा महीना है। तो गोया वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का ये हजूर की रहमतों में से एक रहमत है कि जिस महीने को हजूर ने अपना महीना कहा है उस महीने में अल्लाह ने शबे बरात को रख दिया है। जो हजूर की निस्बत लेकर हजूर के दरवाजे पे दुरूद व सलाम का तोहफा पेश करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा ले। हजूर ने शाबान को अपना महीना कहा, इसकी एक वजह मैंने अब तक आपके सामने बयान की है कि शाबान में बख्शिशें हैं, मगफरतें हैं,
और इसमें आइंदा साल का रिजक भी अता किया जा रहा है, और ये महीना हजूर ने अपनी तरफ मंसूब किया है कि ये मेरा महीना है। तो ये सारी जो खैरातें हो रही हैं उस महीने में जिसको हजूर ने अपना महीना कहा है। दूसरी बात, हजूर ने क्यों फरमाया शाबान मेरा महीना है? ये आयत आप सबको याद है और आप हर जुमे सुनते हैं, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आयत दुरूद आपको पता है ये किस महीने में नाजल हुई? अल-मवाहिबुल अदनिया शारह बुखारी इमाम अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी फरमाते हैं, शाबान हजूर पर दुरूद पढ़ने का महीना है क्योंकि आयत दुरूद शाबान में नाजल हुई। आयत दुरूद शाबान में नाजल हुई है तो हजूर ने शाबान को अपना महीना करार दिया। वो आयत जिसमें दुरूद पढ़ने का हुक्म है कि मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ो, वो आयत इस महीने में नाजल हुई। जश्ने नुज़ूले आयत दुरूद का तकाज़ा ये है कि ये महीना हजूर पर दुरूद पढ़ते हुए गुजारा जाए। आयत दुरूद इस महीने में नाजल हुई तो उसका तकाज़ा ये है कि इस महीने में दूसरे महीनों की निस्बत ज्यादा हजूर पे दुरूद पढ़ा जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। दूसरी हिकमत जो मैंने आपके सामने बयान की है कि शाबान को हजूर ने अपना महीना करार दिया, इसमें आयत दुरूद नाजल हुई। और दुरूद शरीफ अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की कि उसने हमें दुरूद शरीफ का वजीफा अता फरमाया है। हजरत सोबान रजी अल्लाह ताला अन्हो हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो हजरत सोबान है ये हजूर की जुदाई को बर्दाश्त नहीं करते थे, जब हजूर से जुदा होते तो तड़पते थे। एक नमाज से दूसरी नमाज का जो वक्फ है ना, ये भी इनके लिए मुश्किल था। एक नमाज पढ़ के गए हैं बाजार दुकान पे बैठे हैं तो इंतजार करते थे दूसरी अजान कब होगी, मैं जल्दी जाऊं और फिर हजूर की जियारत करूं। हजरत सोबान के इश्क पर और तलबे दीदार पर जो सुभान अल्लाह के या अल्लाह उसको हजूर का दीदार अता फरमा। हजरत सोबान हजूर की महफिल में बैठे हैं और गमगीन है, परेशान है। मेरे आका करीम ने फरमाया, सोबान तुम्हारे चेहरे पे मैं गम देख रहा हूं, इसकी वजह क्या है, क्यों गमगीन हो? सुबान अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरा ध्यान जन्नत की तरफ चला गया, अल्लाह के फजल से मैं जन्नत में पहुंच भी गया तो फिर भी आपका दर्जा तो बुलंद होगा, मैं आपके दर्जे में जाके इस तरह तो ज्यारत नहीं कर सकूंगा जैसे दुनिया में करता हूं। तो या रसूलल्लाह वहां आपकी जियारत के बगैर जुदाई में वक्त कैसे गुजारूंगा? अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो मुझे बताएं, सोबान परेशान थे, कोई दुनिया की परेशानी थी या आखिरत की परेशानी थी? ये है सहाबा जो आखिरत की वजह से गमगीन होते थे, जिनके दिल में आखिरत का गम था। या रसूलल्लाह में अल्लाह के फजल से जन्नत में पहुंच भी गया तो फिर भी मेरा दर्जा तो बहुत नीचे होगा, आपका दर्जा तो बहुत बुलंद होगा। या रसूलल्लाह मैं वहां तो इस तरह आपका दीदार नहीं कर सकूंगा जैसे दुनिया में आपका दीदार करता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्रील जाके मेरे महबूब के सीने पर वो आयत नाजल करके आ जिससे मेरे महबूब के गुलामों को तस्कीन मिल जाएगी, उनके दिल खुश हो जाएंगे। وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे,
आखरत में अल्लाह उसे अपने नबी का कुर्ब अता फरमा दे। सोबान तुम दुनिया में नबी के करीब हो, तुम आखरत में भी नबी के करीब होगे। अनाम अल्लाह अलैहिम मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन, अल्लाह इनका कुर्ब अता करेगा। वह हसना औलाइका रफीका, और इनका कुर्ब बड़ा अच्छा है, इनकी संगत बड़ी खूबसूरत है। हजरत सोबान रजी अल्लाह ताला अन्हो हजूर से सच्चा इश्क करते थे, सच्ची मोहब्बत करते थे, तो उस मोहब्बत ने उनको इस गम में मुब्तला किया कि आखिरत में हजूर से कहीं दूरी ना हो जाए। ये गम किस वजह से उनके दिल में आया? दिल में मोहब्बत सच्ची थी, दिल में मोहब्बत। हम सारी दावा करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का दावा हम सब का है, लेकिन बाज़ुकात इंसान अपने आप को ही फरेब दे रहा होता है। उसके आज़ा, उसके जवारे, उसके आमाल, उसके दावे की गवाही नहीं देते। दावा है ना कि मुझे मोहब्बत है हजूर से, मेरे दिल में हजूर का बड़ा प्यार है, अमल तो गवाही नहीं दे रहे। दावा तो दलील से ही साबित होता है ना, कोई गवाह लाओ कि तुम अपने दावे में सच्चे। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मस्जिद में तशरीफ नहीं लाए, नमाज का वक्त हो गया है, तो एक दरवेश आया हुआ था, चेहरे से बड़ा नेक और मुत्तकी नजर आता था। तो दूसरे नमाजियों ने कहा भी आज आप नमाज पढ़ा दें, हजरत बायजीद तो नहीं आए। तो वो जो चेहरे से बड़ा नेक लगता था उसने कहा नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हर वक्त मौत का डर जो है वो मेरे जहन पे गालिब रहता है, तो कहीं ऐसा ना हो मैं नमाज शुरू करूं और पूरी ना कर सकूं और दरमियान में मुझे मौत आ जाए। ऐसा भी हो सकता है नमाज के दौरान ही मुझे मौत आ जाए, तो कोई और नमाज ही उसको इमाम बनाओ, मैं नहीं नमाज पढ़ा सकता। लोगों ने कहा भाई इसके दिल में तो बड़ा खौफे खुदा है, बड़ा डर है अल्लाह का इसके दिल में, ये कहता है कहीं नमाज के दौरान मुझे मौत ही ना आ जाए। नमाजियों ने कहा आज आपके पीछे ही नमाज पढ़नी है, ऐसा मुत्तकी और खौफे खुदा रखने वाला इमाम मौजूद है तो कोई और नमाज नहीं पढ़ाएगा, आप ही नमाज पढ़ाएं। वो तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है नमाज पढ़ा देता हूं, लेकिन ये नमाज मैं पढ़ा देता हूं, जोर की नमाज थी, ये जोर की नमाज मैं पढ़ा देता हूं, असर के वक्त ना मुझे दोबारा कहना कि नमाज पढ़ाओ, मैं असर की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जोर की पढ़ा देता हूं। ये कहते हुए वो मसल्ले की तरफ बढ़ा। इतनी देर में हजरत बायजीद बिस्तामी भी तशरीफ ले आए, आपने फरमाया जवान ठहर जाओ, वो ठहर गया। आपने फरमाया अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं डरता हूं कहीं नमाज के दौरान मुझे मौत ना आ जाए, और अभी तुम कह रहे हो कि चलो जोर में पढ़ा देता हूं असर में नहीं पढ़ाऊंगा, तो तुम्हारे दिल में दो कैफियतें कैसे हैं? क्या तुम्हें यकीन है कि असर तक तुम जिंदा रहोगे? तुम्हारी अपनी बात ही तुम्हारी बात की नफी कर रही। समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूं? हम लोग कहते हैं कि हमें इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है, जबकि हमारा अपना अमल ही उसकी नफी कर रहा होता है, जबकि हमारे अपने अमाल ही गवाही नहीं देते कि हम इश्क रसूल, हमारा अपना अमल ही उसकी नफी कर रहे। शिफा शरीफ पढ़ के देखें, हजरत काजी अयाज या दीगर सीरत निगारों ने निशानियां बयान की हैं, जिसमें ये निशानियां पाई जाएं उसके दिल में हजूर की मोहब्बत है। पहली निशानी, उसे हजूर की इत्तेबा का शौक हो, हजूर के हुक्मों पर अमल करने का शौक, इत्तेबाए रसूल। दूसरी निशानी, जब हजूर का जिक्र हो वो हजूर का जिक्र अदब से करे, वो हजूर का जिक्र मोहब्बत से करे।
जो अदब से हजूर का जिक्र करता है उसके दिल में हजूर की मोहब्बत है। तीसरी निशानी, वो हजूर पे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ वही पढ़ेगा जिसके दिल में हजूर की मोहब्बत है। और अगर कोई हजूर की मोहब्बत का दावा भी करे लेकिन दुरूद शरीफ ना पढ़े, अगर दिल में मोहब्बत होती तो मोहब्बत दुरूद पढ़वा लेती। दुरूद शरीफ जो है ये मोहब्बत की निशानी है। मन अहब्बा शैयन फ अक्सर ज़िक्रहु, जो जिससे मोहब्बत करता है कसरत से उसी का जिक्र करता है। हजूर के कुछ हकूक हैं उम्मत पर, जिसके दिल में हजूर की मोहब्बत है वो हजूर के हकूक अदा करने की फिक्र करता है। बेटे पर मां बाप के हकूक हैं, शागिर्द पर उस्ताद के हकूक हैं। वो भी कोई बेटा है जो मां बाप का हक ही अदा ना करे, वो भी कोई शागिर्द है जो अपने उस्ताद का हक ही ना अदा करे। इनके हकूक तो बहुत थोड़े हैं, इनके एहसानात छोटे हैं। हजूर का एहसान सबसे बड़ा है। अल्लाह के बाद हमारे ऊपर सबसे ज्यादा एहसानात हैं तो रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। तो फिर हजूर के हकूक भी हमारे ऊपर हैं या नहीं? जब हजूर के एहसान सबसे ज्यादा हैं तो फिर हजूर के हकूक भी सबसे ज्यादा है। कभी आपने सोचा है कि हजूर के हकूक किस तरह अदा करने? कभी फिक्र की है कि जब मैं हजूर की बारगाह में हाजिर हूं तो कहीं हजूर के हक मार के ना हाजिर हूं, कि मैंने हजूर के हक अदा ही नहीं किए। हजूर के जो हकूक हैं उनमें से एक हक ये भी है, जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, इत्तेबा करना, हजूर की खिदमत, हजूर के दीन की नुसरत करना, हजूर के दीन की मदद करना, ये हजूर का हक है। हम तो हजूर के दो आंसुओं का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। चे जाए कि हजूर की सारी मेहनत का शुक्रिया अदा कर। जिसके दिल में हजूर के हक अदा करने का जज्बा होगा, हक अदा नहीं हो सकते। ये बात भी मैं मिंबर पे बैठ के तालबे इल्माना जुमला बोल रहा हूं, लेकिन अगर कोई मेरी सलाह करे कि तुम गलत कह रहे हो तो जरा दलील से साबित करे कैसे तुम हजूर के हक अदा कर सकते हो। हम हजूर के हकूक अदा नहीं कर सकते, इतने एहसानात हैं। जब हक अदा नहीं कर सकते तो इतना तो कह सकते हैं कि या अल्लाह अपने महबूब पे रहमत नाज़िल फरमा। दुरूद शरीफ पढ़ना ये इस बात का एतराफ है कि हक तो मैं अदा नहीं कर सकता लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता हूं या अल्लाह अपने महबूब पे रहमत नाज़िल फरमा, मेरे दिल में हजूर के एहसानात का एतराफ है। दुरूद शरीफ इस बात का इजहार है कि मैं मानता हूं हजूर के एहसान है मेरे ऊपर, मैं मानता हूं हजूर के एहसान है। अब जो एतराफ करता है हजूर के एहसानात का वो मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। ये वाकया मैंने कई मरतबा बयान किया है। दलायलुल खैरात शरीफ की तसनीफ का बायस क्या बना था कि साहिब दलायलुल खैरात एक कुएं पर पहुंचे पानी लेके वजू करने, लेकिन रस्सा और डोल कोई नहीं, तो एक बच्ची आई उसने थूका, उसका थूक जब कुएं के पानी से टकराया पानी जोश मार के ऊपर आ गया, कुएं के किनारों तक आ गया और उस बच्ची ने कहा इमाम वजू कर लो, तो साहिब दलायलुल खैरात हैरान हुए। उन्होंने कहा बेटी ये करामत तुझे कैसे मिली है कि तूने थूका और कुएं का पानी ऊपर आ गया? तो उस बच्ची ने कहा मेरी कोई करामत नहीं, ये सारी दरूदो सलाम की करामत है। ये वाकया तो मैंने कई दफा बयान किया है लेकिन वो दुरूद नहीं मैंने कभी आपको सुनाया जो दुरूद वो बच्ची पढ़ती थी। वो दुरूद जो पढ़ती थी उस दुरूद में जिक्र था हजूर के हकूक का। वो दुरूद इस अंदाज में पढ़ती थी या अल्लाह अपने महबूब पे ऐसी रहमत नाज़िल फरमा,
کہ حضور کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر وہ عظیم حقوق اس درود کی برکت سے ادا ہوں اور حضور کا دل خوش ہو جائے. آج ہم مل کے وہ درود نہ پڑھ لیں جو درود وہ بچی پڑھتی تھی اور اس کو یہ کرامت مل گئی تھی کہ تھوکتی ہے تو کنویں کا پانی جوش مار کے اوپر آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد صلاتن دائمتن مقبولتن تؤدی بها عنا حقه العظیم حقه العظیم. یا اللہ حضور کا جو عظیم حق ہے ہمارے اوپر تو ایسے درود بھیج کہ وہ حق ادا ہو جائے اور حضور کا دل ہماری طرف سے خوش ہو جائے. سعادت الدارین میں ہے جو شخص روزانہ 100 مرتبہ حضور پہ درود پڑھتا ہے اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے بری من النفاق. اس کا ایمان کامل ہے, یہ منافقت سے آزاد ہے. اور جب وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا بری من النار, یہ دوزخ سے آزاد ہے. تاج پہنا ہوا ہوگا اس شخص نے جو درود پڑھتا ہے روزانہ 100 مرتبہ. کوئی مشکل تو نہیں ہے, 100 مرتبہ کوئی زیادہ تعداد نہیں. اور اس میں درود کی بھی قید نہیں کہ فلاں درود, آپ جو درود شریف آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. 100 مرتبہ روزانہ حضور پر درود شریف پڑھنے کا اجر یہ ہے کہ اس شخص کی پیشانی پر بری من النفاق, یہ نفاق سے منافقت سے بری ہے لکھ دیا جاتا ہے. اور وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو پیشانی پہ لکھا ہوگا بری من النار, یہ آگ سے آزاد ہے. اور اس شخص کو شہیدوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے. اسی کتاب سعادت الدارین میں ہے کہ جو روزانہ 100 مرتبہ حضور پہ درود پڑھتا ہے یہ درود قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گا. جو جمعے والے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اسے حشر کے میدان میں اتنا نور عطا کیا جائے گا کہ اگر وہ سارے اہل معاشر پر تقسیم کرے سب کے لیے کافی ہو جائے. درود شریف پڑھنے سے ایک نور عطا کیا جاتا ہے. اور القول البدی میں ہے, یہ فضائل درود کی بڑی مشہور کتاب ہے القول البدی, اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 50 مرتبہ حضور پہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن حضور اس سے مصافحہ فرمائے. اور شارحین لکھتے ہیں جس سے حضور مصافحہ کریں گے نا قیامت کے دن, جس کا ہاتھ حضور کے دست مبارک سے لگ گیا وہ دوزخ میں نہیں جائے. حضور کا دست مبارک کپڑے کو لگ جائے آگ نہیں جلاتی, حضور کا دست مبارک آٹے کو لگ جائے آگ نہیں جلاتی, یہ حضور کے دست مبارک کی برکت ہے. تو قیامت کے دن حضور جس سے مصافحہ فرمائیں گے اسے دوزخ کی آگ نہیں جلائے. اب جس کو شوق ہے کہ قیامت کے دن مجھے حضور کا مصافحہ نصیب ہو ارادہ کر لیں, زیادہ جتنا بھی پڑھیں لیکن کم از کم 50 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھیں. اگر کوئی حضور پہ درود نہیں پڑھتا وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی یعنی درود شریف کی قدر نہیں کرتا. حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے, وہ میری زیارت نہیں کر سکیں گے. ایک وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے, جو والدین کو اذیت دیتا ہے, جو والدین کو تکلیف دیتا ہے,
حضور نے فرمایا وہ قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کر سکے گا. دوسرا وہ جس نے حضور کی سنت کو ترک کیا, اور تیسرا وہ جس کے سامنے حضور کا ذکر ہو اور وہ حضور پہ درود نہ پڑے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میں نے اس لیے فضائل درود آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ امام احمد بن محمد قسطلانی فرماتے ہیں شعبان حضور پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے, اس میں آیت درود نازل ہوئی ہے, اس لیے شعبان میں کثرت سے حضور پر درود شریف پڑھنا چاہیے. میرے آقا کریم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. اس کی دو حکمتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, رحمت بخشش تقسیم ہو رہی ہے, توبہ قبول ہو رہی ہے اس مہینے میں جسے حضور نے اپنا مہینہ کہا ہے, اور دوسری حکمت جس مہینے میں آیت درود نازل ہوئی ہے میرے آقا کریم نے اسے اپنا مہینہ کہا ہے. اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا یہ بھی حضور کا معمول ہے. رمضان شریف کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے حضور نے رکھے ہیں تو شعبان میں رکھے. اگر آپ زیادہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم سوموار شریف کا روزہ رکھیں, چند روزے ہی رکھ کے حضور کی سنت کو ادا کر لیں. جو شعبان میں چند روزے رکھتا ہے اسے رمضان شریف کی روحانیت حاصل ہوتی ہے. شعبان میں چند روزے رکھ کے جو رمضان میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر رمضان کے فیض کا دروازہ کھول دے گا, یعنی رمضان کی تیاری شعبان سے ہی شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ شب برات کے موضوع پر گفتگو کروں گا کہ اس کے تقاضے کیا ہیں.